नोएडा प्राधिकरण को आज वाटर वॉरियर्स से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24 के तहत दो विभिन्न श्रेणियों में बेस्ट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट और वाटर रीयूज प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। प्राधिकरण की ओर से सतीश पाल अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा और आरपी सिंह उप महाप्रबंधक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन वाटर डाइजेस्ट वाटर अवार्ड ने किया। ACIO SP सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार नोएडा अथॉरिटी और उनकी टीम नोएडा के निवासियों को उत्तम सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, आज एक कॉन्फ्रेंस रखिए, किस विषय में रखिए, थोड़ा बताइए। आज की कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य है कल शाम को नोएडा अथॉरिटी को वाटर डाइजेस्ट और यूनेस्को के सहयोग से अवार्ड दिए गए हैं। दो अवार्ड, एक बेस्ट STP का गवर्नमेंट का और एक दिया गया है वाटर रीयूज। हम लोग सबसे अच्छा कर रहे हैं, जो संशोधित जल है उसका। और माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, तो इससे हम लोग सभी प्रोत्साहित हुए। और ये अवार्ड नोएडा जल टीम द्वारा आज CEO डॉक्टर लोकेश सिंह सर को डेडिकेट किया गया। और जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में नोएडा अथॉरिटी जल विभाग में जो है जो भी निर्देश उनके प्राप्त हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से या हमारे विभाग के स्तर से, हम उनको 100% लागू करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और नोएडा के निवासियों को हम लोग उत्तम सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं। और उसी के क्रम में ये आज ब्रीफिंग बुलाई गई थी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।